वेलकम भाई जी, वेलकम टू तू तू खालसा की। कैसे हैं भाई जी? मैं इस टाइम गुजरात आया हुआ हूँ, मेरे कुछ मित्र थे, दोस्त थे। ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मुंद्रा का बस स्टैंड है, ठीक है जी। जिला कच्छ पड़ता है ये। तो यहाँ पे अपने मेरे एक मित्र हैं कि मेकर नानक वीर जी, ठीक है। तो ये बस स्टैंड के पास इनकी शॉप है। मैं सबसे पहले एरिया वाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मुंद्रा बस स्टैंड मैंने दिखाया ना आपको अभी, मुंद्रा बस स्टैंड यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बस स्टैंड के साथ ही इनकी शॉप है। ये बाहर से ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, काउंटर वगैरह सब कुछ। अपने प्रिय मित्र हैं, मेरा वीडियो बनाने का खास रीज़न है, यहाँ एरिया के जो भी अपने यूज़र कस्टमर भाई हैं, भाई शायद काम में बिजी हैं, उन्हें पता नहीं है, उनसे मिलते हैं एक बार चल के। सत श्री अकाल जी भाई जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। किमें हो खालसा जी, किमें चल रहा है सारा कुछ? अरे बस बस बस, प्राणु थोड़ा जा अचानक अचानक, हाँ जी हाँ जी, प्राणु अचानक मिलन आए हैं, थोड़ा जा बस अपने पराधी थोड़ी सौप नु दिखाना है। खालसा जी सब तो पहले तो वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी दुकान है गुजरात कच्छ मुंद्रा विच, जे सब तो वड्डा भारत का पोर्ट मनिया जाता है मुंद्रा ट्रांसपोर्ट लाइन का। इत्थे अपनी दुकान है एक, सामने बस स्टैंड के सामने वो दिखाता मैं बस स्टैंड सेंसर का आएगा, चाबियां का, जे कोई गड्डी की चाबी खो जाती है या कोई भी मिस हो जाती है, नई चाबी बनाने का काम है, रिमोट नया, जनरेटर, इमोबिलाइजर चेंज, की प्रोग्रामिंग का सब काम है। अपनी एक लाइफ में अलग अलग बदलाव आते रहते हैं, छोटे से काम से लेके मैंने यहाँ काम तक, रोड पर बैठ के चाबी बनाते थे पहले, उस तरह की जिंदगी थी बंदे की। हाँ थोड़ा थोड़ा आप भाई जी एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम वो मशीनों तक भी पहुँचेंगे, पहले सबसे पहले आप ये बताओ किस तरह की, जैसे अपना लोकल कस्टमर आता है तो आप अपनी गुजराती लैंग्वेज में उन भाइयों को ये मैसेज दो कि आप किस तरह की अपने पास अवेलेबल है। हाँ जी खालसा जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास कस्टमर आते अपनी है, गुजराती लैंग्वेज में बोलो जो आपका लोकल भाई आएगा। આવે કસ્ટમર ચાવી માટે કે સરદારજી મારે છે આ ફ્રીજની વાળી ચાવી બનાવી છે, કેટલા રૂપિયા થશે, કેટલા થશે? મેં અંદર આ સકતા હું? હા બિલકુલ, ઓકે સર, બિલકુલ બિલકુલ ભાઈ, આઈ જાય આયો અમારી દુકાન, મેં ભાઈ કે શોપ કે અંદર આ ગયા હું, દુકાન આપને ઢૂંઢની વિના કે દેખ જે કે જૈસે કોઈ બંદા અમારે પાસ કે ગુજરાતી ભાઈ આ ગયા, ગુજરાતી મે अभी मैं देख रहा था, अभी मैंने देखा कि आपने की यहाँ पे खोल कर रखी हुई है ये, और आप ये चाबी को भी ये शिफ्ट वाली चाबी को फ्लिप की में, इस वाली फ्लिप की में इस तरह की फैंसी की होती है सारी चारी चाबियाँ, ठीक है जी। और इसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको, ठीक है जी। और काफी अपने वीर जी के पास जो है काफी इस तरह की जो लुक वाली जितनी भी की है आपको, काफी की आपको सारी नए से नए डिजाइन में फैंसी में, और ये कुछ कवर होते हैं जो कीओ के कवर होते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड बहुत नज़दीक है, सामने से बसें निकलती रहती हैं इसलिए डस्ट बहुत उड़ता है, ठीक है भाई जी। और इस तरह से आपको फैंसी की जितनी भी आप देख रहे हैं, ये फैंसी चाबी सारी, ये सारी कीज आपको यहाँ पे भाई के पास मिलती हैं। अब भाई जी से बात करते हैं, वीर जी हम सब कीमेकर भाई, मैं भी एक कीमेकर हूँ, इधर लॉक भी दिखा देता हूँ। हम सब कीमेकर भाई अपने नॉर्मल तालों की या इस तरह की चाबियाँ पहले बनाते थे, आप लोग ये कार की और बड़ी बड़ी चाबियों तक और ये लाखों रुपए की मशीनरी तक जो आप पहुंचे हो, तो ये शुरुआत अपनी कहाँ से रही है और कैसे आप लोगों? ये हमारे पहले मैं रोड पे बैठ के काम करता था, जैसे कि आमतौर पर नॉर्मल जो बाइकों का चाबी का काम है काले का वो करते थे, उस समय सेंसर की मशीन चली थी शुरू में, तो उस समय हमारे भाई मित्र मशीन ली थी, उनसे संपर्क हुआ मेरे भाई जो तुल तुल खालसा की हैं कुलदीप वाले नेट से, फिर उनके पास से हम एक्सपर्ट, जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती गई और लेटेस्ट गाड़ियों में अपडेट वगैरह आते गए तो ये कोड रिपोर्ट निकालती नहीं थी, तो हमको काफ़ी दिक्कत आती थी, हमने बहुत जो परेशानी थी गुजरू पड़ती तो पहले मारे एक्सपर्ट लेव पड़े। गुजराती में इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, कई हमारे जो
सब्सक्राइबर और हमारे मित्र प्यार होते हैं हाँ। वो पंजाबी समझे या न समझ पाए हाँ, तो हाँ। गुजराती में इसके लिए मैं बोल रहा हूँ हाँ। से कट करके हाँ। मारा कहीं ग्राहक आवे के पाजी आना भी काम करो छो आओ मशीन एक राखी लियो नेट ऊपर आवे मैंने के तो अपने खालसा की दिल्ली एना थी मारो बबलू जी मेकर छे एना थी संपर्क थयो एमने थोड़ी थी ने मैं आ मशीन लीधो एना थी पहला मैं सेकंड में लीधो तो मशीन पर आ एक्सप्रेस टूल वन है एक्सप्रेस कंपनी मशीन है एक्स टूल बहुत बेस्ट मशीन है ने शानदार मशीन है हुंडई नो बिन काढ़ो हो अपने मारुति सुजुकी काढ़ू हो मैंने आना प्रति बहुत संतुष्टि है शू कम के बे वर्ष थी आने हूँ यूज कर रो छूँ मारी शॉप है गुजरात कच्छ मुंद्रा नी अंदर जो पोर्ट तरीके ओळखाण छे मुंद्रा नी विश्वना मोटा मोटा जहाज ट्रांसपोर्ट में अँ लागे छे ने आपणे बहुत आज मारा भागे कहवाय कि मारी दुकाने सिंह साहब कुलदीप सिंह दिल्ली थी अँ आव्या ने शीख बरादरी ना एक अमारा सारा एक मित्र पण छे ने अँ आव्या ने मारो मन खुश थई गयो अचानक एक कहवाय ने आपणे एमने जोवा मळ्यो मारी दुकाने बहुत मने आनंद थयो એમના પાસેથી જ મેં એક એક્સપેડ વનથી સેકન્ડમાંથી શરૂઆત થઈ હતી એક બીજા થ્રુ થઈને મારી મુલાકાત થઈ હતી આપણે કુલદીપસિંહ ખાલસાથી ને એક્સ ટુ જે કંપની છે બેસ્ટ કંપની છે આપણે કોઈ કંપનીની નિંદા નથી કરતા એનું કારણ છે કે જો હું કંપનીનો યુઝ કરતો હોઉં એ ટૂલ મને ગમતો હોય તો હું મારો હક છે એ પ્રત્યે મને લાગણી હોય કે એ કેવું પડે મારે કે આ વસ્તુ સારી છે કંપની બધી સારી હોય કોઈ ખરાબ નથી હોતી પણ જે હું યુઝ કરતો હું એક્સ ટૂલનો તો એક્સ ટૂલનો મારો કેવો બને છે એક્સ ટૂલ સારી છે તો હું યુઝ કરું છું મને મજા આવે છે આનંદ આવે છે આનાથી મારો નાનો ભાઈ છે એ ભણી કરીને ભણતર પૂરો થઈ ગયો પોતે આનાથી પ્રોગ્રામ કરતો હોય ઘણી ખરા હું કોઈ એક્સ ટૂલ કંપની કે કોઈનો આપણે પ્રચાર નથી કરતો આ તો શું એક જાતા હતા ગાડીથી ને એમને મારી દુકાન જોઈ ક્યાંક લગ્ન પ્રસંગમાં નીકળ્યા હશે જી હશે મારી દુકાન જોઈ ને અહીંયા ઊભા રહી ગયા મારે જોઈને અહીં આવ્યા કે આપણી નાનકસિંહની દુકાન છે એના હિસાબે આપણે પછી મળવાનું થયું ને ડાયરેક્ટ આવી ગયા લાઈવ ઉપર ને અચાનક તો મારે થોડુંક એમનો સ્વભાવ છે એ વસ્તુ કહેવાનો મોકો મળ્યો બાકી તમે भाईजी ने अपने नानक भाईजी ने जो बोला मुझे गुजराती नहीं आती मैं अपने यूजर भाई को हिंदी में बात करूंगा जो भी अपने कच्छ जिले के आसपास जितने भी अपने भाई हैं वो यहाँ पे आके हर प्रकार की चीज अवेलेबल होती है आप बनवा सकते हैं भाई के पास और इनकी कुछ शर्तें होती हैं जो शर्तें होती हैं कि कार की आरसी आप कोई भी कार की बनवाने के लिए आते हैं हाँ वो आप हिंदी में बताना देखो जी शर्तें ये होती हैं फॉर योर सेफ्टी आप काम करो किसी को परेशान ना हो आप परेशान नहीं हो कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी आरसी ले आधार कार्ड ले पान कार्ड ले उसको पासपोर्ट साइज फोटो ले कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले अगर ताला तोड़वा रहा है ताले की चाबी बनवा रहा है ताला लेके आया है आधार कार्ड फर्जियात ले आधार में हमारा सब कुछ होता है दूसरा गाड़ी की आरसी लें आरसी के साथ साथ आधार कार्ड लें उससे क्या होता है आपकी सेफ्टी रहेगी बाइक की जो अपने नानक जो नानक वीर जी ने जो बताया ना हमें वो एक एक लफ्ज बेस कीमती लफ्ज है हमें वो ध्यान से सारे सुनने हैं और सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं ये वीर जी के पास में मिंडा सिल्का की ड्यू मशीन है जो कि ये अपनी ऐड की में नॉर्मल ताले वगैरह की कीज़ में भी और अपनी बाइक कार की कीज़ में भी ये सक्सेस होती है 100% मिंडा सिल्का ड्यू ठीक है जी ये इसके बाद में अपनी मिंडा सिल्का ट्विस्टर है जो कि हमारी अल्ट्रा और डॉट कटर में हमें यूज़ में आती है अब आ जाती है बात सारी एक्स टूल पे भाई जी ने बोला आप गुजराती में शायद नहीं समझ पाए तो मैं थोड़ा हिंदी कर देता हूँ भाई जी का कहना है इन्होंने सबसे पहले पैड वन लिया ओल्ड वाला जो ब्लूटूथ से चलता था उसके बाद इन्होंने ये पैड वन न्यू लिया जो कि इन्होंने तुई तुई खालसा की यानी कि ये हमारे ऑफिस से मंगाया है ठीक है जी और वीर जी का कहना है जब से इन्होंने सेंसर वाली लाइन और एक्स टूल से जुड़े हैं जब से ऊपर वाले की रहमत है कारोबार में दिनों दिन बरकत है काम धंधा अच्छा चल रहा है कोई टेंशन नहीं है नियर वाले भाई यहाँ पे नए लोग वगैरह सब होते हैं नियर वाले भाई जिला कच्छ मुंद्रा में कांटेक्ट कर सकते हैं।